तो दोस्तों मैं जस्ट फॉल के पास आ गया। ये फॉल वीडियो में जो दिख रहा है मामूली, पर ये इतना बड़ा है ना, मैं क्या बताऊँ। बस देख तो क्या ही व्यू है। और मैं सबसे पहले आया, अभी रोहित भाई मुझे देख के आ चुके। मॉर्निंग दोस्तों। सो आज है नेक्स्ट डे संडे, तो देखते हैं अभी क्या प्लान है कल की। तो पार्टी एकदम हार्ड थी, बहुत लेट तक था, बॉन फायर हुआ, अवार्ड सेशन हुआ, उसके बाद हम सो गए। तो उसके बाद अभी हम सोच रहे कि अभी क्या किया जाए। सोच रहे थे कि यहाँ पर एक शॉर्ट राइड कर लेते हैं, पास में एक अच्छी सी जगह है, पर हो चुकी है बारिश। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो फुल बारिश का माहौल बना हुआ है, और माहौल तो यहाँ बना हुआ है फुल पे। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर बोलो के चल रहा है, तो वही देखते हैं ये प्लान क्या है। बारिश, लेमन टी मिल रही है? लेमन मिल रहा खाली, बाकी बना देंगे। बहुत जोर से है बारिश ही है। चलो सबसे पहले अपन बाइक देख के आते हैं कि क्या सीन है, और कॉफ़ी पीते हैं फ्रेश। बहुत सही मौसम है आज, क्या क्लाउडी है एकदम। और बाइक देखने के रेडी, 3 2 1। कुछ रात से हमारी बाइक भी ऐसी पड़ी हुई है बारिशों में। अरे फूल, वापस। तो जैसे मैं अभी तुमको बता रहा था, अभी मैंने कॉफ़ी पी तो नहीं है, पर अभी हमारा प्लान बन चुका है जाने का बाहर। एक यहाँ पर पास में वाटरफॉल है, तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं प्रिंस सर गाड़ी पहुँच रहे सीट, क्योंकि यहाँ पर उठ चुकी रात को बारिश हुई थी, तो वो थोड़ी सी पूरी भीग चुकी है सीट, तो अभी पहुँच के अभी हम निकलेंगे। बहुत ही मज़ेदार वाटरफॉल का सीन है, तो ये वाला ब्लॉग तो बिल्कुल देखना, और रह के पहले के 3 एपिसोड नहीं देखे तो वो बिल्कुल देखना। तो मैं लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और प्लेलिस्ट भी होगा, क्योंकि हमने भिलाई टू रायपुर, रायपुर टू कहाना आए हुए उसको बनाया, और एक स्पेशली फॉर कहाना जंगल सफारी का बनाया मैंने, और उसके बाद जंगल सफारी के बाद मैं और इवेंट का मैंने अलग ही रख दिया, क्योंकि वो जंगल सफारी और इवेंट को मिक्स नहीं करना चाहता था मैं, उसको मैंने अलग बना दिया। तो एक नया ब्लॉग बनेगा आज, और चलिए फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक पास में बहुत बढ़िया सा सीन है। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं सुबह, जहाँ पर मैं बोल रहा था आज मैं अपनी बाइक पे जा रहा हूँ, मैं प्रिंस के साथ टाइगर पे जा रहा हूँ, और ये सारे राइडर्स, आधे राइडर्स थोड़े से टायर्ड थे रात के पार्टी से, तो वो सोए हुए, और ये थे मॉर्निंग राइडर्स। हाँ पुराने तो जाएंगे, और ये हमारे रूममेट्स पहन लिया है, ये अपने, कौन है आप? रोहित। कौन है आप? रोहित तेजू। आपका नाम सर? तो ये आज हमारे इतनी मॉर्निंग राइड के राइडर्स है, और अभी हम सब निकल चुके हैं, और आपको रोड दिखाता हूँ, और बहुत प्यारी जगह है। Freeze party coming, move around like the first rush when the school is out.
जो सन रेज आ रहे हैं ना वो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो इसी के साथ अभी मेरा कोई अच्छा फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा फोटो है। चलो अभी हम चल रहे हैं आगे और बहुत ही मज़ेदार व्यू आने वाले हैं। तो फाइनली 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 दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। तो क्या आप वो व्यू देखना चाहते हो? पक्का पक्का। बस अभी जस्ट अब मेरे जस्ट पीछे व्यू है। 3, 2, 1 और ये व्यू क्या ही तगड़ा है यार। अब कैमरे में पता नहीं चल पाएगा, जब मैं अपने आंखों से जो देख रहा हूँ ना क्या ही। थोड़ा सा मैं और अंदर जाते हैं और इसको अच्छे देखते हैं। वाह, अगर ये गर्मी का सीज़न होता ना मैं पक्का पानी में डुबकी मारता। तो पानी बहुत ठंडा होगा अभी सुबह के 7 जो बज रहे हैं, 7:30 हो गए होंगे, वो टाइम नहीं देखा मैंने। वहाँ पे बस इन रॉक्स को तो देखो यार। वाह यार, उधर ही बहुत प्यारा सीन है। थोड़ा सा और पास जाएंगे थोड़ा और। एक तो मैंने शूज़ नहीं पहने। हाँ जी, यहाँ पर फोटोज प्यारे प्यारे आएंगे। तेजेश्वर को बोलना पड़ेगा भाई जल्दी आ जाके फोटोज लेने हैं हमें। अरे बच गया। वो इससे बेटर मॉर्निंग हो ही नहीं सकती। बेस्ट मॉर्निंग है। वाह यार, क्या ही वो बर्ड्स, पानी, रॉक और वहाँ से सन। आपको दिख रहा हो रेस दिख रही है। वाह, और हमारे सारे बाइक ऊपर है, मैं तो अपनी बाइक पे नहीं आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन व्यू यार, बहुत ही प्यारा व्यू। इतना साफ पानी के अंदर का पूरा रॉक्स दिख रहे हैं। तो दोस्तों मैं जस्ट फॉल के पास आ गया। ये फॉल वीडियो में जो दिख रहा है मामूली, पर ये इतना बड़ा है ना मैं क्या बताऊँ। बस देख से क्या ही व्यू है। और मैं सबसे पहले आया, अभी रोहित भाई मुझे देख के आ चुके हैं यहाँ पर। और वो देखो राइडर्स कहाँ कहाँ तक दूर दूर जा चुके बैठे हैं। तेजवीर अपना, रोहित भाई भी आ गए। यहाँ तक चप्पल वो डूब गई थी और वो रही हमारी बाइक। और बहुत ही प्यारा है। आगे फोटो तक देखने ना जाके मेरे इंस्टाग्राम जाओ देखो। बस आ चुका हूँ मैं। तो अपने अभी हमारी सारी वाटरफॉल की मस्त देख ली। इतना ज़्यादा ही मज़ा आया। मैं क्या बोलते थे, ठंडा था ना, हालत ख़राब हो गई थी बैठने में, इतनी खतरनाक। और नहीं देखी अच्छे अच्छे स्टोरी फोटोज ना, सॉरी अच्छे अच्छे फोटोज और स्टोरी इंस्टा पर देख लिया करो यार, बहुत प्यारे। मैंने अभी भी बना हाईलाइट में रख दिया होगा कहाना राइड का, अब जाके अभी भी देख सकते हो। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी, इतनी प्यारी क्या बताऊँ। तो इसी के साथ अभी हम सोच रहे कि अभी क्या किया जाए, देखते हैं आपको। मैं शायद अभी वापस रिजॉर्ट जाएंगे, अभी ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है, ब्रेकफास्ट भी करना है, कॉफ़ी भी पीना है, कॉफ़ी तो बहुत मेन है यार। तो ठीक है फिर।
चलो आपको और वापस व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत प्यारे प्यारे पे हमें हमारे आपको मैं मिलाता हूँ सबसे इंजॉइंग लवेबल पर्सन पंकज सर, जो हमारे हर एक ब्लॉग में आते होंगे, आपने सेल्फी गाड़ी का ब्लॉग देखा होगा, हर एक ब्लॉग में पंकज सर ज़रूर आते हैं। बहुत सपोर्टिव पर्सन है और हम्बल पर्सन है, मज़ा आता है कि राइड करके। क्या बात, आप मेरा ब्लॉग देखते हो? एक आपका यूट्यूब को बहुत सकता है, हर यूट्यूब को देखा हूँ, हर वीडियो देखा है, हर वीडियो को देखा हूँ राइडिंग का। और कैसा लगा वाटरफॉल में? ये तो वाटरफॉल काना किसके थ्रू का जबरदस्त एनिवर्सरी रहा, जो चित्र भाई अभी यूट्यूब के थ्रू माध्यम से आप सबको दिखाएंगे। चलिए आगे मिलते हैं। अपन चला रहे हैं एडवेंचर 390, तो जो मज़ा आ रहा है अभी तो हम करने वाले हैं इसमें ऑफ रोडिंग, पर मैं वो दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने अभी गोप्रो लगाया नहीं है, अभी शूट कर रहे अपने तेजेश्वर भाई मोबाइल से, तो इसीलिए मैं अभी बस आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दे रहा हूँ कि इसका कंसोल कैसा है और हैंडलिंग स्पोर्ट्स बाइक से डायरेक्ट एडवेंचर टूरर में आ, क्या ही मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक मज़ा आ रहा है और बहुत ही प्यारी बाइक है। तो मैं अभी थोड़ा ऑफ रोडिंग करता हूँ, आपको एक रिजॉर्ट में मिलता हूँ। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look clear, hold me up, never down, off the ground till I'm found. Dance sound, listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all go up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead, think that I'm close. I get straight comatose in bed, try to go slow with breath without my nose and head. How does it go, the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, drop that now with a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop that now with a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. तो दोस्तों अपने वो फाइट देखी, हाँ कसम इतना मारा मेरे को तेजेश्वर ने, इतना मारा कि मैं बता नहीं सकता। तो अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट करने, बहुत भूख लग चुकी है। तो कैसा लग रहा है ब्लॉग? ओके, लाइट नहीं है, ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। अभी ब्रेकफास्ट करने चलते, फिर वहाँ मिलते हैं। हाय, हम चले ब्रेकफास्ट करने। चलो आप करो, आप करो, ये जरूर आई नहीं अब तक। जरा ब्रेकफास्ट, बड़ा सांभर, इडली भी है क्या? इडली तो दोस्तों अपना हो चुका है ब्रेकफास्ट डन। तो अभी हम सोच रहे हैं कि कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर कॉफ़ी के बाद अभी हम 11:30 मतलब अभी आधा एक घंटे बाद हम कहाना से निकलेंगे। पहले अगर हम जाएंगे चिल्पी घाटी, तो मैं सोच रहा था कि चिल्पी घाटी आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैंने पहले चिल्पी घाटी जा चुका हूँ, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी ब्लॉग यहाँ ख़त्म नहीं करते, अभी लंच के लिए हम नटराज एक होटल है चिल्पी घाटी के पास में, तो वहाँ जाने वाले, पैक करते हैं, गेयर अप होते हैं और बाइक पे मिलते हैं।